बाबर आजम ने लंकन प्रीमियर लीग में सेंचुरी बनाकर हरभजन सिंह को भज्जी को जवाब दे दिया, करारा जवाब दे दिया। वो भज्जी जो कहते हैं कि बाबर आजम T20 क्रिकेट का बल्लेबाज नहीं है, वो भज्जी जो कहते हैं कि मैं बाबर आजम को T20 का खिलाड़ी नहीं मानता, और इसके साथ साथ बाबर आजम ने बेहतरीन सेंचुरी बनाकर 57 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाकर उन लोगों को भी बता दिया जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने तमाम हेटर्स को जो है बाबर आजम ने करारा जवाब दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट विद मी के एक और वीडियो के साथ मोहम्मद यासिर अलिया की खिदमत में हाजिर है। दरअसल व्यूवर्स, अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन अब से 1.5 से 2 महीने पहले, शुएब अख्तर और हरभजन सिंह एक शो में बैठे हुए थे, जिसमें बात करते हुए हरभजन सिंह ने शुएब अख्तर से यह कहा कि यार बाबर आजम जो है वो वनडे का अच्छा खिलाड़ी है, टेस्ट क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन T20 का मैं बाबर आजम को खिलाड़ी नहीं मानता, T20 का मैं बाबर आजम को प्लेयर नहीं मानता। उस टाइम पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये बात की थी कि यार हु इज हरभजन सिंह, आखिर हरभजन सिंह होता कौन है जो बाबर आजम के वास्ते ये कह के मैं उसको T20 का खिलाड़ी नहीं मानता। हम हरभजन सिंह को कुछ नहीं मानते यार, हम हरभजन सिंह को कुछ नहीं समझते, वो आखिर है क्या। लेकिन अब बाबर आजम ने लंकन प्रीमियर लीग में एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर, एक ऐसे मैच में जहां पर उनकी टीम को सख्त जरूरत थी बाबर के बल्लेबाजी की, 182 रन सामने वाली टीम ने बनाया हुआ था, 183 रनों का टारगेट दिया हुआ था, उस मैच में बाबर आजम ने ऐसी बैटिंग करके एक सेंचुरी लगा दी, रन चेज में सेंचुरी लगा दी, अपनी टीम को जीत से हमकिनार कर दिया और हरभजन सिंह को करारा जवाब दे दिया, भज्जी को बता दिया कि भाई आप कहते हो बाबर आजम T20 में बैटिंग नहीं कर सकता, आप कहते हो बाबर आजम को मैं T20 का प्लेयर नहीं मानता, ओ भाई 10 खिलाड़ी 10 सेंचुरीज T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने बना दी है, जिसको तुम प्लेयर नहीं मानते, वो जिनको तुम बड़े बड़े प्लेयर समझते हो ना, जिनके साथ तुम खेलते रहे हो और बड़े बड़े प्लेयर मानते हो, उनकी T20 क्रिकेट में सेंचुरी देख लो, कईयों की तो वनडे में इतनी सेंचुरीज नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, कईयों की तो वनडे में इतनी सेंचुरीज नहीं होगी जो अकलौता बाबर आजम T20 क्रिकेट में बना चुका है, और आप कहते हो कि मैं बाबर आजम को T20 का प्लेयर नहीं मानता। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग व्यूअर्स आप भी जानते हैं कि कहते हैं जी बाबर आजम का स्लो स्ट्राइक रेट, हल्का खेलता है बाबर आजम, पोला खेलता है जी, वो बॉल ज्यादा लेता है, ये करता है वो करता है, यार मतलब 57 गेंदों पर वो सेंचुरी मार रहा है, 170 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से उसने बैटिंग कर डाली, अपनी टीम को मैच जितवा दिया, आप लोग कहते हो बाबर आजम मैच विनिंग खिलाड़ी नहीं है, मतलब सब कुछ वो करके दिखा रहा है। बाबर आजम ने दुनिया ही क्रिकेट में एक ऐसा मकाम अपना बना लिया कि भाई जो जो बाबर आजम के हेटर्स हैं ना, और कहीं ना कहीं सबसे बढ़कर तो मैं ये वाली बात कहूंगा, हेटर्स को भी साइड पर कर दो, सबको छोड़ दो, कल की अपनी सेंचुरी के जरिए बाबर आजम ने हरभजन सिंह को तो करारा जवाब दे दिया। अब भज्जी मानते हो T20 का बल्लेबाज बाबर आजम को या नहीं मानते, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप अब भी ना मानो, हम पहले भी मानते थे, हम आज भी मानते हैं कि बाबर आजम मॉडर्न डे ग्रेट है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने दिल के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।